आज आप लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक सकारात्मक सोच की शक्ति के जरिए जीवन को एक सही नज़रिए से देख पाएंगे। ये जान पाएंगे कि कैसे बुरे हालात आपकी ऊर्जा को कम करके हताशा की तरफ धकेल रही है और इससे कैसे निकलें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक में लेखक कई प्रैक्टिकल तरीके और सच्ची घटनाएं बताते हैं जो लोगों के जीवन को दुख के अंधकार से निकालकर सुख और संतोष भरी जीवन जीना सिखाती है। ये बात सच है कि जब परेशानियां आती हैं, बुरी घटनाएं घटती जाती हैं, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है अपने नज़रिए बदलने की, अपनी सोच बदलने की, तभी हालात बदलेंगे और आप सुख शांति और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। यही सब बातें आप द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक समरी में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आप पर यकीन रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियां और सक्सेस मिलेंगी। जानना चाहते हैं वो मैजिकल चीज़ क्या है? यह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ और सेल्फ बर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे की वजह है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी ज़िंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे हों और आप एक एवरेज मार्क्स से पास होते रहे हों, तो हर बार यही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई बहन से आपको कंपेयर करते रहते हैं। ये भी एक वजह है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों से कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप उन जैसे नहीं बन सकते, बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि आपके यहाँ एक पॉइंट मिस कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल लाइफ में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इसका शिकार बन जाते हैं। यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज़ कभी आपको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करने देती। तो हम अपने आप को कमज़ोर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक एकदम बंद कर दो, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दो, रोज़ खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमज़ोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज से ही तोड़ डालो। एक मजबूत और कॉन्फिडेंस इंसान की तरह खुद को इमेजिन करो। ये यकीन कर लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है, किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत, हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ को जीना सीख गए तो समझ लो कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीज़ों को देखते हो तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालती है। शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी इंसान का सपना होता है, पर ये भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर दो। दिन में दो बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाएं, तो इसे पॉजिटिव थॉट्स से भरना शुरू कर दो।
आपको ज़िंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफ स्टाइल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज़ आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज़्यादा एकदम खामोशी में बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इम्पैक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। ऑर्थर नॉर्मन विंसेंट पील और उनके दो दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद न आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजरती है और वो सुबह काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। एंडी ने यह भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालात में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त जिसे हम बड़ी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बड़ी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बड़ी रोज़ सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी न किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीज़ें खाएंगे, रोज़ वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट्स से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्डवर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपनी एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। अगर आप बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि हमारे फिजिक्स स्टेट पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट्स पर सीधा असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि ये कैसे हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। एक बिजनेसमैन सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत ख़राब हो रही थी। वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दे जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई बदलवा कर दूसरी दवाई लेनी शुरू की, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी।
उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा, फिर जल्द ही इस बीमारी से उसकी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑर्थोनॉर्मल से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयाँ से बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा हैं। ये सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो हैं डर और गिल्ट, जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम को ये एक्सेप्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सैम की ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था, दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। प्रार्थना से शक्ति का प्रयास करें। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर्स पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में, यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सकें, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपके अंदर नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। कुछ सालों पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब कोई एक एम्प्लॉई हुआ करता था और जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवारों में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक ये आदमी काफ़ी क्रिएटिव और स्पेशल था, पर अपनी इन क्वालिटीज पर डिपेंडेंट रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर्स पर भी यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप्स हैं, प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कोई भी समस्या होती तो वो भगवान से इसे शेयर करता। उसे ज़िंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता या वो कोई चीज़ मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करना, यानी जो चीज़ आपको चाहिए जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज़ देख सकते हो, और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो। और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, अपनी विश पिक्चराइज करने के बाद इसे पूरा होते हुए देखना, इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में भी फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। अपनी खुद की खुशी कैसे तलाशें? बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीज़ों में खुशियों की तलाश करते नज़र आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को बाकी में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से ना खुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज़ सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहोगे,
और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज़ दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उदास और दुखी कर देती हैं, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। H.C. मेटन एक खुश मिजाज इंसान है जिसे ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है और अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मेटन को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहाँ जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियाँ उन लोगों तक भी फैल जाती हैं जो इस कपल से मिलते हैं। अगर आप एक कार्ड पढ़ें तो इसमें कुछ यूँ लिखा है, इफ़ यू बैन टू बी हैप्पी लेट गो हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। जिसका मतलब है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दें, सिंपल जीवन जिएं, आपको जितना मिलता है उससे ज़्यादा दूसरों को दें, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफ़ी पुराने विचार को दिखाता है, पर इसे एक या दो हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में वाकई क्या फ़र्क आया है। आप देखोगे कि ये आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच को बदलते हो तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हो। बेशक आप इसी दुनिया में रहोगे पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बन चुके होंगे। फ्यूमिंग और फ्रेटिंग बंद करो। कि आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हैं उस वक्त सबसे कमज़ोर होते हैं। ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा पर आज की मॉडर्न लाइफ हम जी नहीं रहे बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तेज़ी से दौड़ती ये ज़िंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां दे रही है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिएं। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है, पहले एक चेयर पर बैठ जाएं, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहें जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, लेकिन इसका पूरा फायदा लेने के लिए आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी होगी। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपनी निजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद ले लेता या फिर अपना कुछ काम किसी और को क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जगह कोई और एक उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता, उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है।
प्रिस्क्रिप्शन में ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान में जाने की बात सुनकर चौंक गया तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है और इस बारे में गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहें या ना रहें पर दुनिया का कोई भी काम नहीं रुकता और ये हमारी एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज़्यादा इम्प्रिशिएट करना है और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भागदौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भागदौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारी एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीज़ों को लेकर काफ़ी तनाव है और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हाँ इस तरह तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि एक शांत और खुशहाल ज़िंदगी का यही सीक्रेट है। निष्कर्ष: खुशियाँ और खुशहाली से भरी ज़िंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं और अंदर से खुश रहने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समरी में आपने सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन रखना चाहिए। आपको अपने पुराने और दर्द भरे एक्सपीरियंस से बाहर निकलना ही होगा। आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे पर बचपन में हुए बुरे अनुभवों का असर काफ़ी गहराई से हमारे आज पर पड़ता है। अगर आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो इससे डील करने के लिए आपको सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस और अपनी एक पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो खुद को हमेशा एक स्ट्रांग इंसान समझो। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझना। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड ही पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। आपने 2 नई तरह की प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा जो एक पीसफुल लाइफ जीने का सीक्रेट है। इसका एक एग्जांपल एंटी योर माइंड टेक्निक का यूज करना। इसे ट्राई करके देखिए, ये इतना इफेक्टिव है कि आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमें अपने डेली रूटीन के काम करने में हेल्प करती है। तो ये समरी हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट के साथ पूरा दिन एनर्जेटिक रहने का तरीका सिखाती है। अगर आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ा भी लेते हैं तो भी आपको इसे लीक होने से रोकना होगा। एक चीज़ है जो हमारी एनर्जी लॉस की बजाय बनता है, वो है हमारा गुस्सा। लेकिन आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ कम करके आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं। और एक फैक्ट है कि आज की भागदौड़ वाली लाइफ हमारे गुस्से और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रही है। तो अगर आपको कभी गुस्सा आए तो वॉक पर चले जाओ या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके और आपका माइंड रिलैक्स फील करे। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहता है उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए जिसमें उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों दी गई हैं। तो इस समरी में दी गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से एक हेल्दी पीसफुल और पॉजिटिव माइंड हार्ट और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए। दोस्तों आप लोगों को हमारी समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।